السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومصلي أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة। मौजूद मुकर्रम हाजरीन, आज आपके सामने फर्दियत ज़कात के शरायत बयान किए जाएंगे। यानी ज़कात इंसान के ऊपर कब फ़र्द होता है, वो कौन से शरूत हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, जिनके ज़रिए इंसान के ऊपर ज़कात फ़र्द होता है। मेरे अजीज़ो, ज़कात की फ़र्दियत के लिए अहले इल्म ने जिन शरायत को बिलइत्तिफ़ाक़ मद्देनज़र रखा है वो ये है। नंबर एक, मालिक को माल पर मिल्कियत तमाम हासिल हो, यानी वो मुकम्मल उस माल का मालिक हो। नंबर दो, ये माल एक इंसान की मिल्कियत में हो। नंबर तीन, ये माल किसी आराम तरीके से न कमाया गया हो। और नंबर चार, यानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद माल हो। पांच, कर्ज से फारिग को। नंबर छः, नामी यानी नशो नुमा के काबिल हो, ग्रोथ के काबिल हो। नंबर सात, शरीयत के मुकर्रर करदा निसाब को पहुँचता हो। नंबर आठ, उस माल पर एक साल का अरसा गुजर चुका। अब आइए उसकी एक 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 शर्त की तफसील जानते हैं। नंबर एक, मिल्कियत ताम हासिल हो, यानी मुकम्मल तौर पर इंसान को उस पर मिल्कियत कंट्रोल हासिल हो। मिल्क ताम से मुराद ऐसी मिल्कियत जिस पर मालिक को मुकम्मल हक तसरुप और उसे खर्च करने का हक हासिल हो। वो जैसे चाहे जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है, उसमें किसी और का दखल ना हो और उसमें कोई रुकावट दरपेश ना हो। इस शर्त के जरिए वो तमाम अमवाल ज़कात से मुस्तस्ना हो जाएंगे। तमाम अमवाल ज़कात से मुस्तस्ना हो जाएंगे जो मालिक के कामिल तसरुप में नहीं है, यानी मालिक मुकम्मल उस पर कंट्रोल नहीं रखता है तो माल इसमें नहीं आएंगे। जैसे चोरी किया हुआ माल, गुम हो जाने वाले चीज़ें, किसी के नाजायज़ कब्जा में चले जाने वाले माल और ऐसा कर जिसके मिलने की उम्मीद वगैरह ना हो। उस शर्त की दलील दो चीज़ें। नंबर एक, वो तमाम हदीस आयत व हदीस जिन में माल की नस्बत उसके मालिकों की तरफ की, जैसे अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 103 के अंदर फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़ता, उनके मालों से सदका लीजिए। उनके मालों, ये नस्बत की गई है मालिकों की तरफ। इसी तरह सूरह दारियात आयत नंबर 9 के अंदर फरमाया गया, वफ़ी अमवालिहिम हक़ुल लिस्साइलि वल महरूम, उनके मालों में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक है। यानी यहाँ भी उनके माल यानी मालिकों की तरफ माल की नस्बत की गई है। इसी तरह एक हदीस है, अन्न अल्लाह कद इफ्तरद अलैहिम सदक़तन मिन फी अमवालिहिम, के अल्लाह ताला ने उन पर उनके मालों में सदका यानी ज़कात को फ़र्द करार दिया है। देखिए बुखारी 1395 की रवायत है। यानी उनके मालों यहाँ भी कहा गया है, लिहाजा पता चला कि माल की नस्बत उनके मालिकों की तरफ की गई है। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है, दूसरी दलील ये है, दो चीज़ें हैं जो नंबर एक दूसरी हो गई। दूसरी ये है कि ज़कात के ज़रिए फ़कीर मिस्कीन और दीगर मसारिब जो उसके हैं मुस्तकीन को माल का मालिक बनाया जाता है और वो इंसान अपने अलावा किसी दूसरे को किसी चीज़ का मालिक कैसे बना सकता है जब वो खुद मुकम्मल तौर पर मालिक ना हो। लिहाजा अगर कोई इंसान मालिक है तो माल जब मुस्तहिकों तक पहुंचता है तो मुस्तहिक उस माल के मालिक हो जाते हैं। लिहाजा पता चला ये मालिक, ये जिसने माल दिया है वो खुद मालिक था तो दूसरे को मालिक बना दिया, अगर ये खुद मालिक नहीं होता तो दूसरे को मालिक कहाँ से बना सकता था।
इसी तरीके से दूसरी चीज ये है कि एक इंसान की मिल्कियत में माल हो, मुराद ये है कि जकात की फर्दियत के लिए जरूरी है माल किसी एक इंसान की मिल्कियत में हो, अगर ऐसा ना हो तो उसमें जकात वाजिब नहीं। मतलब हुकूमती अमवाल यानी बैतुल माल जिन्हें लोगों से जकात उसूल करके या टैक्सों के जरिए जमा किया जाता है, इस माल में इसलिए जकात वाजिब नहीं क्योंकि इसका कोई मुतय्यन मालिक नहीं होता है, बल्कि ये माल सारी उम्मत की मिल्कियत होती है। इसी तरह ऐसे अमवाल जिन पर ऐसे अमवाल पर भी जकात नहीं है जो फकरा मसाकिन मसाजिद मुजाहिदीन यतीमों मदारिस या उसके अलावा किसी भी अवामी रफाही व फलाही और दीनी व इस्लामी काम के लिए वक्फ हों, ताहम ऐसे वक्फ अमवाल में जकात वाजिब होगी जिनकी नौइयत खास किस्म के मतलब अपनी औलाद के लिए वक्फ किया हो माल या किसी के बेटे के लिए वक्फ किया हुआ माल वगैरह वगैरह। देखिए इसी तरह सऊदी मजलिस फतवा ने कहा मसाजिद वगैरह के लिए वक्फ शुदा अमवाल पर जकात वाजिब नहीं है। देखिए फतावा इस्लामिया के अंदर ये जिल्द नंबर 2 सफा 87 के अंदर इर्शाद मंगी, लिहाजा माल किसी एक इंसान की मिल्कियत में हो यानी घर का जो मुखिया होगा वो मुकम्मल तौर पर जकात को निकालेगा। इसी तरह जैसे पांच भाई है, अगर उन्होंने बांट लिया है पांचों भाइयों ने, तो हर भाई अपने घर की जकात को निकालेगा, अपनी कमाई की जकात को निकालेगा। इसी तरह तीसरी शर्त यह है कि हराम जरिए से वो माल न कमाया गया हो जिसकी जकात निकाली जाए, क्योंकि किसी भी आराम नाजायज जरिए मसलन खयानत हो, झूठ हो, धोखा धड़ी हो, फ्रॉड हो, सूद हो, चोरी हो, किसी पर डाका जनी किया हो, मेढ़ जोता हो, रिश्वत वगैरह लिया हो, किसी के खेत को पर नाजायज कब्जा किया गया हो, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हो, किसी के घर पर नाजायज कब्जा किया हो, किसी के माल को मक्कारी और दगाबाजी करके लूटा हो, किसी के माल को झूठ बोल के लिया हो, या और जो हराम तरीके हैं वगैरह से कमाया हुआ माल उसकी हकीकी मिलकियत नहीं है, बल्कि उस माल का हकीकी मालिक वो है जिससे उसने वो माल हथियाया है, लिहाजा उसे चाहिए कि वो माल उसे वापस करे। किताब व सुन्नत के मुतअद्दिद दलायल इस बात को साबित करते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ वही माल कबूल होता है जो पाकीदा, जैसा कि उनमें से चंद एक ये है, जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 267 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालो या अय्युहल लजीना आमनू अनफिकु मिन तय्यबात मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो अपने उस पाकीदा माल से खर्च करो जिसे तुमने कमाया है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युहन नास इन्नल्लाह तज्जिबुन ला यक़बलु इल्ला तज्जिबा, सही मुस्लिम 1015 नंबर की रिवायत है कि ऐ लोगों बेशक अल्लाह सुब्हानहु तआला पाक है और सिर्फ पाक चीज को ही कबूल फरमाता है। इसी तरह पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसद्दक बिअदल तमरत मिन कस्ब तज्जिब मिन कस्ब तज्जिब वला यक़बलु अल्लाह इल्ला तज्जिब फइन अल्लाह यतक़बलु बियमीनी थुम्मा युरब्बिया लिसाइबिही कमा युरब्बि अहदुकुम फलूहु हत्ता तकून मिथलल जबली। देखिए सही बुखारी 410 नंबर की रिवायत की पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पाकीज़ा हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा यानी हलाल कमाई के सदक़े के को ही कबूल फरमाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए उसमें ज्यादती करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिला कर बढ़ाता है यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। इसी तरह पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया اذا اديت زكاه مالك فقد قضيت ما عليك فيه ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره عليه। ये मुआरिद दमान की किताब ज़कात 665 नंबर की रवायत है, अल्लामा अल्बानी वगैरह ने इसी सही फरमाया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम ने अपने माल की ज़कात अदा करती तो तुमने उसके हक़ को अदा कर दिया जो तुम्हारे माल पर था, और जिसने आराम माल जमा किया और फिर उसका सदका किया तो उसके लिए उसमें अजर नहीं होगा,
और वो उसका बोझ उसी पर किया जाएगा, उसी पर उसका बोझ रहेगा। लिहाजा हराम तरीके से माल न कमाया गया हो तो ज़कात वाजिब, अगर हराम कोई भी जरिया हो उसके जरिए माल कमाया गया है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से वो माल जायद हो जिन पर ज़कात निकाली जा रही है। नंबर एक, अल्लाह सुबहान तआला ने कहा وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَفْوَى, سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کے اندر ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہو کیا خرچ کریں, آپ کہہ دیے کہ اف یا جو ضرورت سے زائد ہو۔ ابن عباس رحمہ اللہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اف سے مراد وہ مال ہے جو گھریلو ضروریات زندگی سے فارغ ہو اور زائد ہو۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زائد مال سے خرچ کرنا اس لیے کہا گیا کہ ضرورت کی چیزیں خرچ کر کے کہیں تیرا مال ہی تجھے مشقت میں مبتلا نہ کر دے اور پھر تو لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ 514۔ اسی طریقے سے علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اف یعنی خرچ کرو کا مطلب ہے کہ ایسا مال خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو, اور ایسا مال خرچ نہ کرو جس کے تم محتاج ہو اور اپنے نفسوں کو ضائع کر لو۔ دیکھیے تفسیر جلالین صفحہ نمبر 81 کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقت ما کان عندہ رغنا, بہترین صدقہ وہ جس کے بعد بھی آدمی مالدار ہی رہے۔ دیکھیے صحیح بخاری 1426 نمبر کی روایت۔ لہذا یہ روایتیں جو پیش کی گئیں, اقوال جو پیش کیے گئے ہیں یہ نفلی صدقات کے متعلق ہیں, مگر اس بات کی تائید کرتی ہے کہ صدقہ صرف اسی مال سے دیا جائے گا جو ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقۃ فقال رجل یا رسول اللہ عندی دینار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر۔ کہتے ہیں یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی 1483 نمبر کی۔ پیر رسول نے فرمایا نبی کائنات علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے صدق و خیرات کا حکم دیا تو ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے اسے میں کہاں خرچ کروں, آپ نے فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کیجئے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے, آپ نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے, آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے تو آپ نے فرمایا اسے وہاں خرچ کرو جہاں تم مناسب سمجھو۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے لیے فرمایا ابدا بنفسک فتصدق علیہ فإن فضل شيء فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا۔ یہ روایت جو مسلم کی 997 نمبر کی ہے۔ کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے ابتدا کرو اور اس پر خرچ کرو, اگر کچھ زائد ہو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو, اگر کچھ گھر والوں کی ضرورت سے بھی زائد ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو, اگر قریبی رشتہ داروں کی ضرورت سے بھی کچھ مال زائد ہو تو اس طرح یعنی اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں پر خرچ کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے ان تمام دلائل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی مال پر واجب ہے جو بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ یہ جی کہ اہل علم نے اس مسئلے میں اتفاق کیا ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں مثلاً گھر, رہائش, گھر کا سامان, لباس, خوراک, سواری اور یعنی پیشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, سامان ہوتے, ہتھیار وغیرہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے, خواہ یہ اشیاء کتنی قیمتی ہوں۔ نیز کتاب و سنت میں ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں جس سے ان چیزوں پر زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہوتا ہو, بلکہ اس کے برعکس ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
सवारी के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, इसलिए हदीस में उन्हीं का जिक्र है। और अब चूंकि मोटरसाइकिलें और कारें इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए ये भी जकात से मुतसना हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इसी तरह घरेलू सामान और जाती चीजों को गुलाम पर कयास करते हैं, जकात से अलग करार दे दिया गया। एक और अहम मसला है कि आखिर जरूरत की हद क्या है। क्या इंसान जिस चीज की ख्वाहिश रखता है या जो आसाइश हासिल करना चाहता है वह उसकी जरूरत है। अगर जरूरत का मफहूम यह हो तो इब्न आदम को सोने की दो आबादियां भी मिल जाएं तो उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, वो तीसरी वादी हासिल करने के लिए कोशिश करेगा। जैसा कि एक सही हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। तो यहाँ ये बात खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हाजात असलिया बुनियादी जरूरतें जो होती हैं से मुराद सिर्फ वो चीज़ें जिनके बगैर इंसान का गुजारा मुमकिन नहीं। मसलन खुराक, खाना, लिबास, रिहाइश, घर, इल्मी मफन्नी कुतुब किताबें, हिफाजती असलहा, तजारत के सामान, मोबाइल वगैरह। इसी तरह एक और अहम सवाल यह है कि क्या हर इंसान की ज़रूरत एक जैसी है। तो ये भी याद रहे कि हर इंसान की ज़रूरत में फ़र्क है। मसलन किसी साहब ने 12 या 14 किसी साहब के 12 या 14 बच्चे हैं, तो ला मोहला उस शख्स और उस शख्स की जरूरत में फ़र्क होगा जिसके एक या दो बच्चे हैं या औलाद ही नहीं। इसी तरह जिस शख्स पर वालिदैन और बाद दिगर करीबी रिश्तेदारों के खर्चे का भी बोझ है, उसकी और उस शख्स की ज़रूरत में यकीनन फ़र्क होगा जो इन जिम्मेदारियों से भरी है। लिहाजा आतमी और कुल्ली तौर पर ज़रूरियात का तयन करना महाल है, नामुमकिन है। और गालिबन यही वजह है कि शरीयत मुतअरा ने भी इतनी कैद तो लगाई है कि जकात जायद माल से जायद जरूरत माल से अदा की जाए, लेकिन जरूरियात की अदबंदी नहीं की बल्कि उसे उर्फ आम में छोड़ दिया जाए। लिहाजा हर इंसान की जरूरत से जो चीज जायद हो उन पर जकात दिया जाए। इसी तरह कर चौथी पांचवी शर्त यह है कि आपका माल जो जकात निकाल रहे हैं वो कर्ज से फारिग हो। जिन वजूहात की बिना पर ये शर्त लगाई गई है वो ये है। नंबर एक, इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत साहिब इब्न यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर रसूल पर खुतबा देते हुए सुना कि मन कान अलैह दैनुन फलयक़्ज़ी दैनहु वल आप कहने फरमाया जिस पर कर्ज है वो अपना कर्ज अदा कर दे और अपने बाकी माल की जकात अदा कर दे। उसका मतलब यह है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात सहाबा की मौजूदगी में कही और किसी ने इनकार नहीं किया, जिससे साबित हुआ कि वो सब के सब इस पर मुत्तफिक थे कि कर्ज पर जकात नहीं, इसीलिए कर्ज अदा करके बाकी माल से जकात देने का हुक्म दिया गया और उन्होंने इस चीज का हुक्म दिया। ये इमाम इब्ने कुदामा अपनी मायनास किताब अल मुगनी के अंदर जिल्द 3 सफा 41 के अंदर इसे नकल फरमाते हैं। इसी तरह दूसरी वजह यह है कि जिस शख्स पर कर्ज हो उसे उस पर मिलकियत तामा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं होता। और इसलिए पहले और ये चीज़ बतला दी गई दूसरे दरसों में कि वजूब ज़कात के लिए मिलकियत ताम का होना शर्त है, माल पर मुकम्मल कंट्रोल और अख्तियार का होना शर्त है। इसी तरह मसारिफ ज़कात में से एक मसरफ जो है गारिमीन यानी मकरूद भी है, यानी अगर किसी पर इतना कर्ज है कि जो उसके माल को घेरे हुए है, मुकम्मल माल को घेरे हुए है, निसाब को कम कर देता है तो वो खुद शरअन ज़कात लेने का मुस्तहिक है, फिर उस पर ज़कात कैसे वाजिब होगी। चौथी चीज़ है, हकीकत में ज़कात की अदायगी उस शख्स पर लाजिम है जो माल का हकीकी मालिक है, लेकिन अगर मकरूज से भी ज़कात वसूल की जाएगी तो एक माल में 2 मरतबा ज़कात का अखराज लाजिम आएगा जो कि शरअन जायद नहीं है। पांचवी वजह यह कि सिर्फ उसी सदक़े को मशरू किया गया है जिसके बाद भी इंसान मालदार ही रहे। जैसा कि पहले ये हदीस इस ताल्लुक से गुजर चुकी है, अब जो शख्स मकरूज है कर्जदार उसके पास मालदारी वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो खुद उतनी रकम का मोहताज है जिससे वो अपना कर्ज अदा कर सके। छठी चीज है कि जकात को आदतमंदों की हमदर्दी के लिए फर्ज किया गया और कर्जदार इंसान खुद कर्ज की अदायगी के लिए मोहताज है। तो ये कोई हिकमत दानाई नहीं है कि मालिक की आदत को छोड़कर उसके अलावा किसी दूसरे की आदत को तरजीह दी जाए।
जबकि आदेश में ये बात भी मौजूद है कि माली खर्च अपने आप से शुरू करो और फिर जो करीबी आपके रिश्तेदार हों। इन तमाम वजूहात से बात सामने आती है कि कर्ज ज़कात के वजूब में वाजिब करने में रुकावट है। जमहूर फुका इसी के कायल है, ताम ये याद रहे कि वो कर्ज जो ज़कात को रोक देता है उसके लिए शर्त है कि वो मुकम्मल निसाब को मुस्तगरक यानी शामिल हो, यानी जितना नसाब हो उतना ही कर्ज हो, या वो कर्ज निसाब को कम कर देता हो और कर्जदार शख्स के पास निसाब के सिवा कोई ऐसा जरिए आमदनी भी ना हो जिसके साथ वो कर्ज अदा करते। मगर मसलन किसी के पास 20 दीनार सोना हो और उस पर 20 दीनार ही कर्ज हो, यानी 20 रुपया हो और 20 रुपये का कर्ज हो, या एक या उससे ज़्यादा दीनार जो है कर्ज हो और उस कर्ज की अदायगी के लिए उसके पास इस निसाब के अलावा कोई और जरिया भी ना हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। बल्कि क्योंकि जब कर्ज की रकम अलग कर दी जाए तो बाकी माल निसाब तक नहीं पहुँचता होगा और निसाब तक पहुँचना ज़कात के वाजिब होने के लिए शर्त है, और अगर कर्ज की रकम अलग करके बाकी रकम निसाब तक पहुँचती हो तो ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से छठी शर्त जो है कि ज़कात का माल जो ज़कात अदा किया जाए वो नामी हो। नामी से मुराद ऐसा माल जो नशो नुमा के काबिल हो, ग्रोथ के काबिल हो, यानी हकीकी या कुदरती तौर पर नमो की खासियत ग्रोथ की जो है खासियत रखता हो। हकीकी नमो का मतलब ये है कि अज खुद यानी बिलफेल उसमें इजाफा व नशोनुमा होता रहे। मसलन मवेशियों में पैदाइश के जरिए अफजाइश बढ़ोतरी जाति का सिलसिला जारी रहता है, इसी तरह ज़मीन में पैदावार के जरिए अफजाइश होती रहती है। तकदीरी नमो का मतलब है कि उसमें अज खुद तो अफजाइश की खासियत ना हो लेकिन बिलकुवत खासियत मौजूद हो। मसलन नकदी यानी सोना चांदी और कागजी करेंसी वगैरह उनमें अज खुद तो अफजाइश नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें किसी कारोबार वगैरह में लगा दिया जाए तो उनमें बढ़ोतरी की कुव्वत बहरहाल मौजूद है। अलम ने फैल फर्जियत ज़कात के लिए माल नामी की शर्त इसलिए लगाई है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के अक़वाल और अफ़आल इसी पर दलालत करते हैं। डॉक्टर यूसुफ करदावी रहमतुल्लाह हफिज़हुल्लाह रकम तराज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अफजाइश रखने वाले और नफ़ा पहुँचाने वाले माल पर ही ज़कात फ़र्ज की है। मदीद फरमाते हैं कि अहकाम शरईया की तालील के लिए फ़ुकायल फ़ुका और वो उम्मत के जमहूर उलमा है ने इस मसले में इत्तेफाक किया है कि मस्कूरा यानी जो माल में वजूब ज़कात की इल्लत ये है कि ये माल जो है यह माल या तो बिलफेल यानी खुद अफजाइश की सलाहियत रखते हैं, कुव्वत यानी उनमें अफजाइश का इम्कान मौजूद रहता है। देखिए फ़िक़हुल ज़कात जिल्द 1 सफ़ा 41। इसके अलावा इस शर्त की दलील वो हदीस है जिसमें मशहूर है कि मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं है। इसी तरह शेख अब्दुल्ला बस्साम कहते हैं कि ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि ज़कात सिर्फ उन माल में वाजिब होती है जो नामी हो, नशो नमा के मुतअम्मिल हो या नमो के लिए तैयार हो, अफजाइश और ग्रोथ के लिए तैयार किए गए हैं। अलबत्ता जो अमवाल ज़ाती इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए उनमें ज़कात वाजिब नहीं होती है। देखिए तौदीहुल अहकाम शरअ बुलूगुल मराम जिल्द 3 सफ़ा 311। लिहाजा अगर कोई ये एतराज़ पेश करे कि नमो ग्रोथ की खासियत तो ज़ाती घरों किराए पर दिए हुए मकानों और दुकानों वगैरह में भी पाई जाती है, लिहाजा उनमें भी ज़कात वाजिब होनी चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि हर माल नामी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। जैसा कि दाती इस्तेमाल की चीज़ें, तजारत के सामान, पैदावार के ज़राए और आए दिन ख्वाह कितने ही कीमती होते चले जाएं उनमें ज़कात वाजिब नहीं होती क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात से अलग कर दिया। इसी तरह वो जानवर जिन्हें घर में चारा डाला जाता हो या उनसे रहट या हल चलाने यानी खेत का काम लिया जाए, हल चलाया जाए, ख्वाह वो रोज़ बरोज़ उनकी तादाद में कितना ही इजाफा होता चला जाए उनमें ज़कात वो नहीं है क्योंकि उन्हें भी अलग कर दिया गया है। इसी तरह सातवीं शर्त ये है ज़कात के फ़र्द होने के लिए कि माल मुकर्रर निसाब तक पहुँचता। इस मसले में कोई इख्तलाफ नहीं कि फ़र्दियत ज़कात के लिए
माल का निसाब तक पहुंचना शर्त है। नीज सोने का निसाब 20 दीनार, चांदी का निसाब 200 दिरहम, ऊँटों का निसाब 5 ऊँट, गायों का निसाब 30 गाय, बकरियों का निसाब 40 बकरियां और गल्ले का निसाब 5 वस्क है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से मरवी एक रवायत में लफ्ज है, वमन लम यकुल लहु माउन इल्ला अरबा मिन अल इबल फलैस फीहा सदकतुन इल्ला अन यशा रब, और जिसके पास सिर्फ 4 ऊँट हो तो उनमें ज़कात वाजिब नहीं है इल्ला कि उसका मालिक चाहे। और इस हदीस में लफ्ज है, फैदा कानत साइमतु रजुल नाक़िसतुन अन 40 शातन वाइदतन 40 शातन वाइदतन फलैस फीहा सदकतुन इल्ला अन यशा रब्बुहा, जिस आदमी के चरने वाली बकरियों में से 40 बकरियों से एक बकरी भी कम हो तो उन पे ज़कात वाजिब नहीं है इल्ला कि उसका मालिक अदा करना चाहे। बुखारी 1454 नंबर की रिवायत है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस फीमा दून खमसत औसुक मिन अत्तम्र सदका वलैस फीमा दून खमस अवाक मिन अलवरक सदका वलैस फीमा दून खमस ज़ौद मिन अलइब्ल सदका, 5 वस्क खजूरों से कम में ज़कात नहीं, खजूर उकिया से 5 उकिया से कम में ज़कात नहीं और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं। शेख वहबा, ये रवायत जो बुखारी के 1469 नंबर की है, शेख वहबा ज़ैली कहते वजूब ज़कात के लिए माल का निसाब तक पहुँचना या निसाब की कीमत तक पहुँचना यह शर्त है। इसी तरह जमहूर उलमा कहते हैं हर माल की तरह उसमें भी यानी ज़कात में भी निसाब शर्त, जैसा कि सही हदीस है कि 5 वस्क से ये निसाब मुकर्रर किया कि 5 वस्क से कम में गल्ले में ज़कात नहीं है। राजे कौल जमहूर का ही है और यही कौल दुरुस्त है। इसी तरीके से 8वीं शर्त यह है कि और ये इसमें जो वस्क वगैरह आए हुए हैं इंशाल्लाह इसकी तफसील अगले दुरुस्त में आएगी। 8वीं शर्त जो है ज़कात के वाजिब होने और फर्द होने पर ये कि उस माल पर जिस माल पर ज़कात अदा किया जा रहा हो एक साल का अरसा गुजर चुका हो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूल ने फरमाया, ला ज़कात फी मालिन हत्ता यऊल अलैहि अल-हौलु, ये रवायत इब्न माजा 1449 की है। कहते हैं कि किसी माल में भी उस वक्त तक ज़कात नहीं जब तक कि उस पर एक साल ना गुजर जाए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रवायत में है जो कि अबू दाऊद 1391 की, अल्लामा अल-अल्बानी ने सही फरमाया है कि रसूल ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं लैस फी मालिन ज़कातुन अत्ता यऊल अलैहि अल-औल, किसी माल में उस वक्त तक ज़कात नहीं है जब तक उस पर साल गुजर ना जाए। इसी तरह सऊदी मजलिस फतवा कमेटी कहती है कि ज़कात उस वक्त वाजिब नहीं होती जब तक कि उस पर एक साल का अरसा न गुजर जाए। फतावा अल्लाज़ीम लिल इल्मियत वल इफ्ता जिल्द नौ सफ़ा 169। इसी तरह शेख इब्न कईम इमाम इब्न कईम कहते हैं अल्लाह ताला ने जो हर साल में एक मरतबा ज़कात वाजिब की है और खेतियों और फलों के सही तौर पर पके जाने पर ज़कात को लाजिम किया है, ये उससे नहायत मुनासिब है कि उसका वजूब हर माह या हर जुमा होता, क्योंकि इससे मालदारों को नुकसान उठाना पड़ता और अगर उसका वजूब जिंदगी में एक मरतबा होता तो इससे किसी मिस्कीन को नुकसान होता, लिहाजा अरसाल में एक मरतबा ज़कात के वजूब से ज़्यादा मुनासिब और अदल वाली बात कोई नहीं है। देखिए ज़ादुल माद जिल्द 2 सफ़ा नंबर से। एक इसी तरह एक मसला इस ताल्लुक से है कि अगर दौरान साल निसाब में कमी वाक़ हो जाए तो क्या किया जाएगा। देखिए वजूब ज़कात के लिए सारा माल निसाब की मौजूदगी सारा वजूब ज़कात के लिए सारा साल निसाब की मौजूदगी शर्त है। अगर साल के किसी लम्हे में भी निसाब कम हो गया तो साल ख़त्म हो गया मुनक़त हो गया, और फिर अगर उसके बाद निसाब मुकम्मल हो गया तो उस वक्त से दोबारा साल शुरू किया जाएगा जब निसाब मुकम्मल हुआ। और यही चीज़ सूरत दुरुस्त है क्योंकि निसाब पर साल गुजरने की कैद लगाई गई अहादीस वगैरह के अंदर। इसी तरह साल गुजरने की शर्त से कौन कौन सी चीज़ें अलग हैं मुस्तशना है। निसाब पर साल गुजरने की शर्त बाद चीज़ें अलग हैं, जैसे खेतों और फलों पर उसी वक्त ज़कात वाजिब हो जाती है
जब उनकी कटाई का वक्त आ जाए, जब तैयार हो जाए, जैसा कि अल्लाह तबरक तआला ने सूरह अनआम आयत नंबर 141 के अंदर फरमाया, वो आतु हक़्क़हु यौम असादी, और कटाई के दिन उसका हक अदा करो। इस तरह कानों और जमीन में मदफून खदानों की ज़कात खुम्स यानी पांचवा हिस्सा उनके हासिल होते ही अदा कर दिया जाएंगे, उन पर साल गुजरने का जो है इंतजार नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से कर्ज दी हुई रकम की ज़कात एक मसला है। देखिए, कर्ज दी हुई रकम की दो ही सूरतें हैं, जिसके मिलने की उम्मीद हो नंबर एक, दूसरा जिसके वापस मिलने की उम्मीद ना हो। अगर तो ऐसे शख्स को कर्ज दिया, अगर तो ऐसे शख्स को कर्ज दिया गया जिसके पास माली फरावानी है और वो है भी दयानतदार, उससे किसी भी वक्त माल उसूल किया जा सकता है, तो फिर मालिक पर लाजिम है कि वो कर्ज की रकम को बाकी माली माल के साथ मिलाकर हर साल ज़कात अदा करता रहे। लेकिन अगर जिसे कर्ज दिया गया है वो इतना तंग दस्त है कि उससे कभी अदायगी की तवक्को ही नहीं की जा सकती, या वो कर्ज लेकर कहीं फरार हो गया, या वो कर्ज लेने का ही इनकारी है, तो या कर्ज देना ही नहीं चाहे, बिल्कुल घटिया किस्म का इंसान है, तो इस सूरत में कर्ज की रकम से ज़कात उस वक्त तक मौखर कर दिया जाएगा जब तक वो रकम उसूल ना हो जाए, और जब वो रकम उसूल हो जाएगी तो मालिक पर लाजिम है कि फौरन एक साल की ज़कात अदा कर दे। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यही फतवा दिया है। देखिए फतवा इस्लामिया जिल्द सफा 88 के अंदर ये चीज़ मनकूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अदा करे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।